सो लेट गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के V23 Pro डिवाइस के अंदर आपको एक ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने फोन के अंदर 3 नेटवर्क साइन का यूज कर सकते हैं और लोगों को एक तरीके से चौंका सकते हैं कि आपके फोन के अंदर एक्चुअली 3 सिम कार्ड लगे हुए हैं। तो इस सेटिंग्स को कैसे करेंगे, हालांकि एक डेमो सेटिंग्स होगी, आपको इसको मतलब 3 सिम कार्ड नहीं लगेगा, एक डेमो होगा, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप भी अपने फोन के अंदर इस चीज को कर सकते हैं। तो चलो गाइस फटाफट डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे 3 साइन बनाना है आपके फोन के अंदर नेटवर्क के। गाइस इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फोन सेटिंग्स के अंदर, यहां पर कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज नहीं होगी, सेटिंग्स को आप ओपन करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा और मेरा भी फोन Vivo का V23 Pro ही है, अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे Vivo के V23 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सर्च बार है, इसको हम क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, मोड, MOD मोड सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं मोड। तो जैसे आप मोड सर्च करेंगे यहाँ पर आपको ढेरों सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना, एक सेटिंग्स आपको मिलेगी सिस्टम UI डेमो मोड का, ये वाला सेटिंग्स आपको दिख रहा ना, आप इसको एक बार प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद आपको यहां पर सिस्टम UI डेमो जो हाईलाइट हो रहा है बस आपको एक बार इसको क्लिक करना है। अब यहां पर गाइस देखेंगे तो सिस्टम UI डेमो के अंदर इनेबल डेमो मोड है और नीचे है शो डेमो मोड। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, इनेबल डेमो मोड। डेमो मोड में क्या होगा कि अभी जो हमारा साइन है इस तरह से कुछ है नेटवर्क साइन, अभी मैं जैसे इसको इनेबल करूंगा इसका जो नेटवर्क साइन है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखो मैं कर रहा हूं, अब हमारा जो साइन है अभी यहां पर प्रॉपर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने डेमो साइट को नहीं ओपन करा है, तो ये शो डेमो मोड वाले को हमें यूज करना होगा। तो हम एक बार इसको यूज करेंगे, जैसे तैसे हमारा जो है अल्टी वोल्टी वाला सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अभी देखना मैं इसको ऑन कर रहा हूं, तब यहां पर एक सिंगल नेटवर्क साइन आ गया है। अभी आप बोलोगे सर आपने 3 बताने वाले थे तो आपने एक ही हो चुका है, कैसे करेंगे। अभी देखो करना क्या है, फिर से हमें इसे ऑफ करना है। जैसे आप फिर से एक बार इसको ऑन करेंगे इसके बाद ऑफ कर देंगे तो हमारे जो साइन है अभी देख सकते हो 3 नेटवर्क साइन का हो चुका है। एक है LTE के जस्ट पास में, दूसरा है 4G नेटवर्क, तीसरा है बैटरी के साथ में। अभी आपको दिखाता हूं पास से भी, एक्चुअली पास से शो तो नहीं हो रहा है। तो ये आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो प्रॉपरली तरीके से 3 नेटवर्क साइन हो चुके हैं हमारे फोन के अंदर। और गाइस जैसे आप भी अपने फोन के अंदर 3 नेटवर्क साइन बना सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन वगैरह के और लोगों को दिखा सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना, है ना, कोई जब चीजें होती है नई चीजें, तो आप इस चीज को कर लीजिए। हाँ हालांकि कभी इसको बंद करना हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि लोग कहते हैं कि सर बंद नहीं होता। देखो अगर मैं यहां से इसको एक बार ऑन करूं फिर से ऑफ करूं तो ये जल्दी बंद नहीं होगा। अभी मैं आपको इसको तरीका बता दूंगा कैसे बंद होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप इस तरह से ऐसे बंद चालू करेंगे तो बंद भी हो जाता है कुछ केसों में, लेकिन ऐसे इसको जरूरी नहीं करना क्योंकि इससे बहुत मोस्ट कम केसों में बंद होता है। आपको करना कि आपने फोन को बस एक सीधा जब इसको नहीं यूज करना हो तो बस पावर बटन को प्रेस करिए, लॉन्ग प्रेस करके आप इसको रिबूट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है सेटिंग्स जो है अपने आप बंद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप जाके डेवलपर ऑप्शन से बंद कर सकते हैं। और गाइस ये जो है सेटिंग्स जो होती है वो डेवलपर ऑप्शन ऑन रहेगा तभी काम करेगा, ये भी ध्यान देना, नहीं कि डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान देना कि डेवलपर ऑप्शन ऑन रहेगा तभी ये सेटिंग्स वर्क करेगी। और जैसे डेवलपर ऑप्शन बंद कर देंगे ये बंद भी हो जाएगा या फिर रिबूट कर दीजिए तब भी बंद हो जाता है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे 3 नेटवर्क करने हैं Vivo के V23 Pro डिवाइस के अंदर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।